मिलादुन्नबी का त्यौहार सभी जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उज्जैन कलेक्टर और एसपी ने सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान कलेक्टर ने मुस्लिम समाज की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए समाज ने स्वयं जुलूस स्थगित कर दिया है, यह बड़ी खुशी की बात है। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां शहर भर में दौड़ती रही। अधिकारियों ने चैनल के माध्यम से मुस्लिम समुदाय वर्ग को बधाई देते हुए उनको धन्यवाद दिया और जो त्यौहार मनाया जा रहा है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। जितने भी सेंसिटिव एरिया है उन सभी क्षेत्र में जिला कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला के वाहन दौड़ते नजर आए। क्या सबसे पहले तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है मिलादुन्नबी, इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये त्यौहार हमको अमन और शांति का संदेश देके जाएगा और पूरे शहर भर में अमन और शांति रहेगी। और मैं बधाई भी देता हूं उज्जैन के वासियों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय को कि उन्होंने स्वप्रेरणा से ये निर्णय लिया है कि मिलादुन्नबी पर जो जुलूस निकलते थे वो कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार नहीं निकाले जाएंगे। इवन जो सांकेतिक जुलूस हैं वो भी यहाँ पर नहीं निकाले जा रहे हैं। तो पूरे ज़िले भर में इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया है इसका मैं स्वागत करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी की सभी उज्जैन वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोरोना का जो परिदृश्य है उसके चलते बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम जो हैं एक रेगुलेटेड वे में ही हुए हैं, किसी तरह के चल समारोह आयोजित नहीं हुए हैं। हमारे उज्जैन के मुस्लिम भाइयों ने इस कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, किसी तरह का कोई चल समारोह नहीं है। और हमारी जो पुलिस व्यवस्था है जितने भी संवेदनशील स्थान है वहाँ सभी फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग चल रही है, सब त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हो इसके लिए पूरी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद। दोपहर न्यूज़ के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट।